देख बिना ब्रेक डाउनलोड ताक ऐप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब भी अपने संसदीय क्षेत्र कोटा आते हैं तो यहाँ पर सभी समाज के विभिन्न वर्ग के कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं और ये आम जनता से उनका जुड़ाव भी उनकी खासियत है। जानते हैं हम ओम बिरला से कि क्या सोच आपकी रहती है और ये सभी समाज के कार्यक्रमों में आप सम्मिलित होते हैं। सभी समाजों के सहयोग से एक अच्छे समाजों का निर्माण होता है और मैं सभी समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो अपने अपने समाज के अंदर छात्रावास निर्माण के अंदर सहयोग कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिक्षा व्यक्ति का भी निर्माण करती है, समाज का निर्माण में योगदान देती है और जब शिक्षा संपूर्ण समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेगी, तो निश्चित रूप से हम नए भारत के निर्माण की दिशा की ओर काम कर पाएंगे। क्योंकि कोटा एक श्रेष्ठी नगरी है, देश भर का विद्यार्थी यहाँ पर आता है, इसलिए सभी समाजों ने अलग अलग तरीके से प्रयास करके अपने अपने समाजों के छात्रावास का निर्माण कराया है ताकि अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता शिक्षा और इन छात्रावास के माध्यम से अच्छे संस्कार मिल सके। इसके लिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जब भी आप कोटा आते हैं, मतलब जन सुनवाई का कार्यक्रम रखते हैं, तो जनता की समस्या और समाधान के लिए किस तरह से आप उपाय करते हैं और किस तरह से उनकी समस्याएं दूर करते हैं? मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, इसलिए मेरा दायित्व है मैं समाज के अभावों को सुनूं, की समस्याओं को सुनूं और उनको समाधान कर सकूं। और इसी तरीके से समाज में व्यापक परिवर्तन कैसे हो सकता है, इसके लिए सामूहिक चर्चा कर संवाद कर हम लोकसभा क्षेत्र के अंदर किस तरीके से नया परिवर्तन कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, गांव का विकास, शहर का विकास, व्यक्ति का विकास, इसके लिए सामूहिक रूप से सबसे संपर्क करते हैं और सामूहिक रूप से प्रयासों से ही नए परिवर्तन बनेगा। ये थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो यहाँ के कोटा के स्थानीय सांसद भी हैं। इन्होंने बताया कि वो जनता की समस्या और सुझावों को सुनाकर और सरकार के माध्यम से उनको दूर करने का प्रयास समय समय पर करते रहते हैं। कैमरामैन रवि सिंह के साथ संजय वर्मा, राजस्थान तक।